अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करते हैं जी आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जा रहे हैं आयरलैंड, कैसल ब्लेनी, एक बहुत ही खूबसूरत टाउन, उसका विज़िट करवाएंगे आपको। और वहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत झील है, वो भी आपको दिखाते हैं। और उम्मीद करते हैं आज का दिन बड़ा ज़बरदस्त और बेहतरीन रहेगा। मौसम बहुत अच्छा है, क्लाउडी है और थोड़ी सी ठंड भी है, तो उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे से इंजॉय करेंगे। क्योंकि नॉर्दर्न आइलैंड जिस जगह मैं रहता हूँ उसके साथ ही कुछ ही किलोमीटर बाद आइलैंड शुरू हो जाता है, तो बड़ी एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी है। आइलैंड को भी देखेंगे और वो जो टाउन है उसको भी एक्सप्लोर करेंगे फर्दर। हाँ जी, एक और बहुत इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, आयरलैंड इंटर होने के लिए अगर आप यूके में हैं तो आपको वीज़ा चाहिए, तो मेरे पास वो वीज़ा है इसलिए मैं जा रहा हूँ। आप अगर यूके आए हैं और यूके के वीज़े पे हैं तो काइंडली आयरलैंड मत जाइएगा, क्योंकि अगर आप पकड़े गए तो सीधा आप जेल में जाएंगे। तो इस चीज़ को मेक श्योर करें कि आयरलैंड इंटर होने के लिए आपके पास वीज़ा होना चाहिए आयरलैंड का, अदरवाइज़ यूके के वीज़े के ऊपर आप आयरलैंड नहीं जा सकते। हाँ, अगर आप स्टूडेंट वीज़े पे हैं तो आप यूनिवर्सिटी से परमिशन लेंगे, उसकी बेस के ऊपर आप जा सकते हैं, उसके लिए भी वीज़ा रिक्वायर होगा। तो उम्मीद करते हैं आपकी वीडियो बड़ी अच्छी रहेगी, आपको रास्ता भी दिखाएंगे, बहुत खूबसूरत रास्ता है। यहाँ से केडी से जब कैसल ब्लेनी वाली साइड पर जाते हैं तो बड़ा खूबसूरत किस्म का व्यू है, वो भी आपको दिखाएंगे। सो स्टे ट्यून। आयरलैंड में दाखिल हो चुके हैं। कोई पोस्ट नहीं, कोई पुलिस नहीं, कोई फौज नहीं। यहाँ पे ना आपको मुख्तलिफ जो साइन बोर्ड्स हैं वहाँ पे आयरिश भी लिखी हुई नज़र आएगी और इंग्लिश भी लिखी हुई नज़र आएगी, जैसे कि ये देखें जी, प्ले पार्क और पार्किंग और साथ ये आयरिश लैंग्वेज ऊपर लिखी हुई है। आयरिश जो है ये दुनिया की कदीम तरीन ज़बानों में से एक है और यहाँ पे आयरिश भी बोली जाती है, तो ये इनकी एक ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश के बाद। और ये मेन एंट्रेंस है, अभी कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है पार्क में, तो चलें आगे चलते हैं। ये कैसल ब्लेनी पार्क है, इसका शुमार आयरलैंड के जो बड़े पार्क हैं, नेशनल पार्क हैं, उनमें होता है। और ये इतना बड़ा है कि ये पूरा पार्क आपको देखने के लिए तकरीबन 4 से 5 घंटे चाहिए। यहाँ पे इनका जो वॉकिंग ट्रैक है वो बहुत खूबसूरत है, वो बिल्कुल जंगल के अंदर से गुजरता है। और अभी यहाँ पे जब अगले कुछ महीनों में ठंड शुरू हो जाएगी तो आप जब इधर आते हैं सुबह के टाइम तो बहुत ज़्यादा धुंध होती है, और ये पूरा जो ट्रैक है वो धुंध के साथ बड़ा एक खूबसूरत मंजर पेश करता है। ये जी कैसल ब्लेनी पार्क का पूरा जो है वो नक्शा है, मैप है, इसमें मुख्तलिफ जो यानी इस पार्क की हाइलाइट्स हैं उनको बताया हुआ है, और ये गाइडलाइन है, और इसके साथ ये एक पुराना बार रेस्टोरेंट जो कि अब बड़ा खस्ता हालत में इस्तेमाल में नहीं है, लेकिन ये इनकी बड़ी हिस्टोरिकल बिल्डिंग है इस पार्क की, अभी इसको रिस्टोर कर रहे हैं। ये सामने मेन व्यू है पूरे पार्क का, आप देख सकते हैं कि ये झील बहुत बड़ी है। ये पार्क से रिलेटेड जो है वो जो कैसल है उसकी जो इंफॉर्मेशन सारी इन्होंने यहाँ पे इसको मेंशन किया हुआ। जो कैसल ब्लेनी पार्क है यहाँ पे लोग जो हैं वाटर स्पोर्ट्स के लिए भी आते हैं, काउंसिल की तरफ से यहाँ पे प्रॉपर जो है वाटर स्पोर्ट का तमाम किया जाता है। इसके अलावा ये सामने आप देख सकते हैं ये जो जंगल है इसके अंदर अब बहुत ही खूबसूरत किस्म का ट्रैक है, वॉकिंग ट्रैक है, और यहाँ पे लोग हाइकिंग भी करने आते हैं। इसके अलावा यहाँ पे बहुत ही नायाब किस्म के जो परिंदे हैं वो आपको मिलेंगे देखने को, उनको रिज़र्व किया गया है इधर। और इसके अलावा इस साइड पे एक पूरा ट्रैक है डॉग्स के लिए,
क्योंकि इसके यहाँ आयरलैंड या यूके में जो डॉग्स हैं वो पार्ट ऑफ फैमिली हैं, तो उनके लिए एक मखसूस एरिया बनाया गया, तो लोग अपने पेट्स के साथ भी इधर आते हैं वॉक के लिए। और आज ये काफ़ी रश है क्योंकि छुट्टी का दिन है, तो फैमिलीज़ के साथ आए हुए हैं लोग, और सुबह का टाइम है, बड़ा अच्छा क्लाउडी वेदर है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि ये जो पार्क है ये एक वाटर स्पोर्ट साइट के अलावा एक पिकनिक स्पॉट भी है, और यहाँ पे जो फिशिंग है वो भी की जाती है ऑफिशियली। यहाँ पे आप फिशिंग कर सकते हैं परमिशन लेने के बाद काउंसिल से, और ये फिशिंग के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है इन आयरलैंड नॉर्थ ईस्ट जो है उसके बारे में बताया हुआ कि कौन कौन से स्पॉट्स हैं, कौन कौन सी टाइप्स हैं फिश की, और पूरी जो गाइडलाइन है वो दी हुई है यहाँ पे। तो यहाँ पे लोग आके फिशिंग भी करते हैं जिनको शौक है, ये प्रॉपर स्पोर्ट है। और उम्मीद करते हैं कि हमें भी कभी मौका मिला तो हम भी इंशाल्लाह फिशिंग करेंगे, और आपको लाइफ जो है वो अब बताएंगे कि फिशिंग कैसे की जाती है। आपको उसमें हौसला चाहिए क्योंकि इसमें बड़ा टाइम लगता है, लाइक जब आप फिशिंग के लिए जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप जाएंगे तो फ़ौरन से आप फिश जो है वो पकड़ लेंगे। इट्स टेक टाइम। एक ट्रैक है और इस ट्रैक में इंफॉर्मेशन दी हुई है कि जी 12 साल से जो बड़े बच्चे हैं वो अलाउ हैं, और कौन कौन सी चीज़ें आप लेके नहीं जा सकते। आगे ट्रैक को एक्सप्लोर करते हैं। आयरलैंड या नॉर्दर्न आयरलैंड की जो सबसे खूबसूरत बात है, यहाँ पे ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है, और मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियोस में बताया था कि यहाँ पे जो कंट्री साइड है बहुत खूबसूरत है, और बहुत ही नायाब किस्म के जो परिंदे हैं वह वहाँ यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, और इन्होंने बड़े अच्छे से रिज़र्व किया हुआ है इन तमाम चीज़ों को। मैंने जैसे आपको बताया कि ये यहाँ पे बारिश बहुत होती है तो पानी को ये किस तरह से स्टोर करते हैं और उसको किस तरह से यूटिलाइज़ करते हैं, बहुत खूबसूरत एग्जाम्पल है। हम जिन कंट्रीज हैं लाइक पाकिस्तान, मैं क्योंकि पिंडी में रहता हूँ तो वहाँ पे भी काफ़ी बारिश होती है, साइड एरियाज में भी काफ़ी बारिश होती है, तो वहाँ पे भी स्टोर किया जा सकता है पानी को। वहाँ पे अभी पानी की किल्लत भी होती जा रही है तो इस पानी को यूटिलाइज भी कर सकते हैं। यहाँ पे प्रॉपर प्लानिंग के साथ चलते हैं ये लोग। यहाँ पे जो नेचर की खूबसूरती है ना वो आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, आप उसको फील कर सकते हैं यहाँ पे आके। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो वाटर रिजर्व है इनको ये यूटिलाइज करते हैं, घरों में यही पानी इस्तेमाल होता है, और इसको इतने अच्छे से फिल्टर किया जाता है कि इस पानी को आप पी सकते हैं, और क्योंकि यहाँ पे बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं तो उस वजह से ये प्रॉपर तरीके से इस पानी को स्टोर करते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे फिशिंग भी होती है, वाटर स्पोर्ट भी होती है, और प्रॉपर रेवेन्यू जनरेट करते हैं ये लोग। बहुत खूबसूरत ट्रैक है, अभी आपको वहाँ पे लेके चलेंगे। चलें जी आप ट्रैक की तरफ चलते हैं। यहाँ पे जो मुख्तलिफ ट्रैक्स हैं उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। चलें जी मंजिल का आगाज करते हैं। खूबसूरत जंगल और एक बड़ा ही शानदार किस्म का ट्रैक जो कि मुश्किल है, बिल्कुल स्ट्रेट है सीधा। जब हाइकिंग करने जाते थे तो वहाँ पे ना ट्रेल 5 है, ट्रेल 3 है, वो ही बड़ा खूबसूरत है, आप नेचर को फील करते हैं, नेचर के बहुत करीब हो जाते हैं, और वो बड़ा खूबसूरत तरीके से उसको डिज़ाइन किया गया। सेम फीलिंग्स आपको ना यहाँ पे आके होती हैं, ये ट्रैक है, जंगल है, सब्स है, पर ताज़ा हवा है, और एक बड़ी खूबसूरत किस्म की खामोशी है
इस खामोशी को फील कर सकें, परिंदों की आवाज़ें, नेचर जस्ट ब्यूटीफुल। नॉर्मली यहाँ पे इतनी बारिश होती है कि आप नहीं आ सकते, लेकिन अच्छा सनी डे होता है तो ये ट्रैक बहुत खूबसूरत है, आप बड़े अच्छे से इसको इंजॉय करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ आयरलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड। हाँ जी, तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपना बहुत ख्याल रखें, हमें दुआओं में याद रखें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक के बटन को लाजमी प्रेस कीजिएगा, क्योंकि आपकी जो सपोर्ट है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इंशाल्लाह हम और भी बहुत ही ज़बरदस्त शानदार वीडियोस आपके लिए लेके आएंगे। आज की वीडियो में हमने कोशिश की आपको कलर ऑफ आयरलैंड जो है उसकी एक झलक दिखाएँ। उम्मीद करते हैं अपना ख्याल रखेंगे। अल्लाह हाफिज़।